गुड मॉर्निंग क्लास एट्स। सो इट्स आर चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम सिविक्स, दैट इज अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन, और फ्रॉम योर बुक माइट बी मार्जिनलाइज द कम्युनिटी ऑफ आवर सोसाइटीज। सो इन दिस इमेज यू मे सी सम पीपल आर मूविंग ऑन देयर फुट ऑन द रोड। सो एंड दिस इमेज आई हैव टेकन फ्रॉम द रिसेंट इंसिडेंट्स और इवेंट्स दैट टुक प्लेस जस्ट within 4 or 5 months, okay, during the lockdown period. And here the number of people is few less, but what this image is showing to us, it's a developed area, a road which is looking like an highway, even national highway we can say. Here some people are people's crowd walking on their foot. What is that trying to show? Are they doing protest against anything? No, they are just moving or trying to go their home or reach to their families as early as possible, because all the means of transports have been stopped. That's why they have to walk on their own foot to meet their families. Why can't they stay at their previous place? Yes, because they have to survive within this crisis of the 21st century. I mean to say कि ये जो इमेज टेकन मैंने ली है, इस ये इमेज ये शो करती है कि ये जो लोग हैं ये किसी डेवलप्ड एरिया में पैदल चल रहे हैं, और जो है पुअरली जो है हमें लगेज दिख रहे हैं। ये लोग माइग्रेंट्स हैं जो कि बड़े बड़े सिटीज़ में, मेट्रो सिटीज़ में काम करते हैं, बट जब लॉकडाउन पीरियड हुआ था तो ये अपने फैमिलीज के लिए, अपने घर के लिए चल पड़े। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज बंद होने की वजह से ये ऐसे जो है अपने आप से या अपने स्तर पर, अपने लेवल पर ही ये आगे बढ़ चले। तो यही वो लोग हैं, ये वो कम्युनिटी जो किसको रिप्रेजेंट करती, ये लोग जो थे ये कौन से कम्युनिटी थे, हमारी सोसाइटी के कौन से ग्रुप के लोग हैं। यही वो लोग हैं जो हमारी कम्युनिटी के, हमारी सोसाइटी के मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के लोग हैं, मार्जिनलाइज्ड पीपल है। यही वो लोग हैं जिनका मार्जिनलाइजेशन हुआ है। इनमें से कुछ एक दो नहीं भी होंगे, मान लीजिए सपोज वो कोई और हो सके, लेकिन बट 98% वीकेंस से कि ये लोग जो हैं यही वो कम्युनिटी है जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, यानी अकॉर्डिंग टू अवर चैप्टर हु आर मार्जिनलाइज्ड, मार्जिनलाइज्ड किसको कहेंगे। ओके, तो पहले तो चैप्टर का जो हेडिंग है मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स एंड सोशल जस्टिस, यानी हाशिए पर पहुंचे हुए लोग एंड सामाजिक न्याय। हाशिया यानी किनारा, कगार, जो आखिरी में पहुंच जाते, सबसे पीछे रह जाते वो लोग, दे आर नोन एज मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। सो द क्वेश्चन इज, और द फर्स्ट स्टेटमेंट, हु आर मार्जिनलाइज्ड, मार्जिनलाइज है कौन, हाशिए पर कौन पहुंचाए। सो लेट्स गेट द आंसर। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स आर दो सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी विच हैव रिमेंड इग्नोर्ड इन द पास्ट ड्यू टू सेवरल सोशल एंड इकोनॉमिक कॉजेज। इट मीन्स ऐसे लोग, ऐसे लोगों का समूह जो हमारी सोसाइटी में इग्नोर्ड किए गए या अनदेखा कर दिया गया इन द पास्ट, यानी पुराने समय में, ड्यू टू सेवरल सोशल एंड इकोनॉमिक कॉसेस, यानी कई सारे सामाजिक और आर्थिक कारणों से उनको रोक दिया गया, उनको जो है अनदेखा किया गया, यानी उनको या तो चाहे वो अनटचेबिलिटी ले लो, डिस्क्रिमिनेशन ले लो, इनइक्वलिटी ले लो, या कास्टिज्म ले लो, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, या इलिटरेसी ले लो, या उनका इकोनॉमिकल स्टेटस ले लो, बहुत सारे, कई सारे रीजनल डिस्पेरिटी बोल दीजिए आप। So these are the people who belong to this group, that means from the marginalized groups, okay, हाशिए करण पर पहुंचे हुए समूह के लोग। The chief group among these include the scheduled castes, the scheduled tribes, other backward classes and the minorities, यानी SC, ST, OBCs and minorities, ये वो groups हैं according to the Indian government and our constitution, जो क्या है, marginalized, यानी पिछड़े हुए समाज के, सबसे सोसाइटी के सबसे बैकवर्ड पीपल है। ओके, सो द फर्स्ट SC कम्युनिटी, ओके, शेड्यूल कास्टेस्ट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, एज अ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, दे आर द कास्टेस्ट विच आर ट्रीटेड एज अनटचेबल। शेड्यूल कास्ट वो कास्ट, वो जातियाँ जिनको पहले अनटचेबल यानी अछूत या अस्पृश्य समझा जाता था इन द कास्ट हायरार्की, यानी जाति क्रम में या जाति व्यवस्था में ऑफ इंडिया, भारत की।
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द शेड्यूल कास्टेस एज द वंस हु वर कॉल्ड एज अनटचेबल इन द सोसाइटी। और भारत का जो संविधान है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द शेड्यूल कास्टेस एज द वंस हु वर कॉल्ड द अनटचेबल इन द सोसाइटी। इनको जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे लोग बोला गया है जो सोसाइटी में कभी अनटचेबल समझाते थे, यानी अछूत समझाते थे। नाउ द सेकंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप इज शेड्यूल ट्राइब्स, दैट मीन्स आदिवासीज और द पीपल हु लिव्ड इन डेंसली फॉरेस्टेड रीजन। द पीपल और कास्टेस, लोग और जातियां विच रिसाइडेड इन द फॉरेस्ट, जो जंगलों में निवास करती है, एंड हिली एरियाज और पहाड़ी क्षेत्रों में, एंड वर सोशली डिस्कार्डेड, और जिनका सामाजिक रूप से बहिष्कार किया गया, सोशली डिस्कार्ड, एंड वर इकोनॉमिकली बैकवर्ड, यानी आर्थिक रूप से जो पिछड़ गए, जिनका इकोनॉमिकल स्टेटस जो है आगे नहीं बढ़ा, या जिनके अकाउंट में बैंक बैलेंस जो है बढ़ नहीं पाया, कभी अकाउंट खुले ही नहीं, ऐसे लोग आर कॉल्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ऐसे लोग, ये वो लोग हैं सोसाइटी के। ओके, तो शेड्यूल ट्राइब्स मीन्स आदिवासी। नाउ बैकवर्ड क्लासेस, द टर्म बैकवर्ड क्लासेस डज नॉट मीन द क्लासेस विच आर बैकवर्ड। बैकवर्ड क्लासेस, ये जो वर्ड है इसका मीनिंग ये नहीं कि ये बैकवर्ड है, पिछड़े हुए। रेदर इट इज अ नेम गिवन टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये लोग, यानी ओबीसी सेक्शन के जो लोग हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस, वो एक्चुअली में बैकवर्ड नहीं है, मतलब बैकवर्ड क्लास से बिलोंग नहीं करते हैं, बट फिर भी उनके लिए यहाँ पर ये नेम दिया गया है, बिकॉज वो सोसाइटी में पिछड़े हुए इन द सोसाइटी देन अदर शेड्यूल कास्टेस एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग, वो तो बैकवर्ड क्लासेस ही से, हमारी सोसाइटी की बैकवर्ड क्लासेस कौन सी है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी SC एंड ST। इसके अलावा और भी कुछ लोग हैं जो दूसरे ग्रुप में होते हुए भी बैकवर्ड, यानी पिछड़े हुए, तो उनके लिए ये टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है, बैकवर्ड क्लासेस। ओके स्टूडेंट, सो हियर वी आर हैविंग द फर्स्ट वन ग्रुप इज माइनॉरिटीज, सॉरी फोर्थ ग्रुप इज माइनॉरिटी, द कम्युनिटीज वेदर रिलीजियस और लिंग्वल हु हैव लेस नंबर ऑफ पीपल ऑफ देयर ओन सेक्ट एंड रिलीजन इन अ पर्टिकुलर रीजन और रीजन्स। यानी ऐसी कम्युनिटीज, ऐसे समुदाय या ऐसे समाज जो धार्मिक रूप से या धर्म के आधार पर या लिंग्वल यानी भाषाई रूप से, भाषा के आधार पर कम संख्या में होते हैं, लेस नंबर में होते हैं किसी पार्टिकुलर रीजन में, यानी इलाके में या क्षेत्र में, तो ऐसे लोगों को हम क्या नाम देते हैं, माइनॉरिटीज नाम देते हैं। ओके, द मार्जिनलाइज्ड आर दोज ग्रुप्स ऑफ पीपल और कम्युनिटीज हु स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज, जो अलग भाषा बोलते हैं, फॉलो डिफरेंट कस्टम, जो अलग तरह के परंपराओं को मानते हैं, रीति रिवाज को, और बिलोंग टू अ डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप, या किसी दूसरे धर्म से जो है संबंध रखते हैं, फ्रॉम द मेजोरिटी कम्युनिटी, और जो है मेजोरिटी कम्युनिटी से जो है वो क्या करते हैं, विषम होते हैं या अलग दिखाई देते हैं व्यवहार में। द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैव द सेंस ऑफ डिफरेंस एंड एक्सक्लूजन एंड हैव नो एक्सेस टू द रिसोर्सेज एंड द अपॉर्चुनिटी टू असर्ट देयर राइट्स। अब मार्जिनलाइज्ड, इनके ये जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ कस्टम्स और लैंग्वेजेस और रिलीजन्स या वे ऑफ वर्शिप जो हम बोल सकते हैं, ये होने की वजह से इनके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है या होने के चांसेस रहते हैं, और ऐसा होने की वजह से इनका जो है सोशल एक्सक्लूजन हुआ है, इसलिए ऐसे लोगों को जो है रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज लेने से रोका गया, टू एसेट देयर राइट्स, और उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया। दे आर द ग्रुप्स हु आर पावरलेस, ये वो समूह हैं जो शक्तिहीन है, एंड डिसएडवांटेज, यानी जिनको कोई भी लाभ अभी तक पहुंचा नहीं है ढंग से। देन द पावरफुल एंड डोमिनेंट ग्रुप, शक्तिशाली और दबाव युक्त, मतलब समूहों की तुलना में। तो ये कुछ, मैंने ये जो ग्रुप्स हैं हमारी सोसाइटीज़ के, SC ST OBC एंड माइनॉरिटीज, इन लोगों को इंडिया में जो है बैकवर्ड और स्टैंडर्ड वर्ड यूज़ किया गया, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स ऑफ इंडिया, हाशिए पर पहुँचे हुए लोग। इनकी ये कौन है ये हमने पढ़ा, अब ये ऐसा इनके साथ क्यों हुआ उसके रीजन्स हम पढ़ेंगे, और जो है इनको अपलिफ्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स या प्लान्स जो है एग्जीक्यूट किए हैं, वो भी हम इस चैप्टर में आगे के वीडियो में रीड करेंगे। थैंक यू।